राजधानी जयपुर इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। इस बीच पिंक सिटी घूमने आए लोग गर्मी से परेशान दिखे। सर पर कपड़ा बांधकर और छाते के सहारे घूमते दिखे लोग धूप से बचते हुए फोटो खिंचवाते दिखे। गर्मी से लोगों को राहत देने के लिए हवा महल में टूरिस्ट के लिए एसी रूम बनाया गया, जिसकी तबीयत खराब होने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं जानवर भी गर्मी से परेशान, इसके लिए नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जानवरों के लिए कूलर लगाए गए। आइसक्रीम और फल खिलाए जा रहे हैं। जगह जगह परिंडे बांधे गए हैं। हाथियों को बार बार नहलाया जा रहा है। बंदर भी टंकी में भरे पानी से नहाते दिखाई दिए हैं। बता दें कि जयपुर में रविवार को 45.6 डिग्री तापमान के साथ सीजन का दूसरा सबसे गर्म दिन रहा। जयपुर में सीजन में तीसरी बार पारा 45 डिग्री के पास के पार हुआ है। इससे पहले 19 मई को शहर का अधिकतम तापमान 45.9 डिग्री दर्ज किया गया और 22 मई को 45.4 डिग्री दर्ज किया गया। राजधानी में लोगों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए प्रशासन की ओर से जगह जगह पानी की बौछारें करवाई जा रही हैं। कई ट्रैफिक सिग्नल पर ग्रीन शेड लगाया गया। इसे लाल बत्ती पर खड़े लोगों को तेज धूप में राहत मिल रही है। ट्रैफिक की व्यवस्था देखने वाले पुलिस के जवानों को भी इस व्यवस्था से काफी राहत मिली है। मौसम केंद्र जयपुर ने आज भी जयपुर में तेज गर्मी पड़ने की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इस दौरान तापमान भी 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की आशंका जताई है।